कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खोजीपुर रामपुरा में बिजली का बिल जमा करने को लेकर पिता पुत्र के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इसमें बड़े बेटे ने अपने पिता के ऊपर हवाई फायरिंग कर दी। आपसी मारपीट में बड़ा पुत्र घायल हो गया। पूरा मामला ग्राम खोजीपुर रामपुरा निवासी रामविलास शाक्य के नाम पर बिजली कनेक्शन है। उसी कनेक्शन पर सुनील, उसके भाई विजेंद्र, सुमित बिजली का बिल उपयोग करते हैं। पिछले कई महीनों से बिजली का बिल बकाया था। जब पिता रामविलास ने अपने बड़े बेटे सुनील से बिजली का बिल जमा करने के लिए पैसे मांगे तो वह वहां पर तमंचा लेकर पहुंचा। बिल के हिसाब को लेकर आपस में कुछ कहासुनी हो गई। इस पर सुनील ने साथ लाए तमंचे से हवाई फायरिंग शुरू कर दी। इसी बात से नाराज होकर पिता ने पुत्र सुमित के साथ मिलकर सुनील की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर गांव के लोग भी मौके पर एकत्र हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस को भी पहुंचना पड़ा। घायल सुनील को सौशैया अस्पताल भिजवाया गया। घायल सुनील की पत्नी सुधा ने पुलिस को बताया कि उसके देवर ने उसके पति को गोली मार दी, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। लेकिन सौशैया अस्पताल के डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि गोली लगने से घाव नहीं है। तब जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे तिरवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। घटना की जानकारी को लेकर बात करते हुए कोतवाली जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बिजली बिल को लेकर पारिवारिक विवाद है। फायरिंग जैसी घटना नहीं हुई है, मारपीट हुई है, उसकी जांच की जा रही है। मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पापा ने मेरे बुलाओ कि आवा हिसाब कर ले वाले, तो जिग गए एकदम ही गोली मार दी। हम गए एकदम हाथ जाएंगे। गोली किसने मार दी? किसने मारी? क्या मार दिया? हाँ? क्या मारा गया? गोली भरा ऐसे भरा घर डरा रही। अच्छा, क्या गोली चली? एक। किसके लगी? इन्हें की लगी। और भी कहाँ लाई हूँ? गेट बंद कराएंगे। हम घूम गए, मारते जल हम गए रंगे थे।